अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सब क्यूरीज होती क्या है और हमें इनकी क्या जरूरत पड़ी कि डेटाबेस में हम सब क्यूरीज को यूज करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स को डिस्कस किया था, नेस्टेड लूप को डिस्कस किया था, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आउटर लूप वन टाइम रन होके इनर लूप चलती थी। जब तक हमारे पास इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाती थी तब तक हमारे पास आउटर लूप दोबारा रन नहीं होती थी। ऐसे ही हमारे पास सब क्यूरीज है। सब क्यूरीज के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सब क्यूरीज किस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए यूज होती है, सब क्यूरीज होती क्या है, सब क्यूरीज की कितनी टाइप्स है, और हम सिंगल रो सब क्यूरी को किस तरह से राइट कर सकते हैं और मल्टीपल रो सब क्यूरी को किस तरह से राइट करेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि सब क्यूरी किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ बंदों का डेटा, हमने कुछ बंदों का डेटा शो करवाना है जिनकी सैलरी ग्रेटर है हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ज्यादा है जिन बंदों की सैलरी। अब मुझे नहीं पता मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है। सबसे पहले मुझे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सैलरी फाइंड करनी होगी, उसके बाद कंपैरिजन करना होगा, उसके बाद मेरे पास उन बंदों की सैलरी शो होगी जो ग्रेटर है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सब क्यूरीज का यूज करते हैं। हम सिंपल क्यूरी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते। सब क्यूरीज की कितनी टाइप होती है, इसको हम पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सब क्यूरी का सिंटैक्स बता देता हूं। सिलेक्ट सिलेक्ट लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट में मेरे पास कोई भी कॉलम हो सकते हैं। इधर हमें कॉलम शो करवाने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, उसके बाद कमीशन, जॉब आईडी, ईटीसी, कोई भी कॉलम्स हम यहां शो करवा सकते हैं। फ्रॉम के बाद टेबल नेम, मुझे इधर अपना टेबल नेम शो करवाना होगा जिस टेबल से मुझे डेटा लेना है। उसके बाद वेयर, यहां मुझे अपना कोई भी ऑपरेटर यूज करना होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कोई भी ऑपरेटर यूज करना होगा इन एनी ऑल। नेक्स्ट हमारे पास इनर क्यूरी है जिसको हम सब क्यूरी भी कहते हैं। इसके अंदर भी सेम हमें सिलेक्ट की क्यूरी लिखनी होगी, सिलेक्ट सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, कंपैरिजन ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर्स हमें यूज करने होंगे। सबसे पहले मेरे पास इनर क्यूरी रन होगी, जो इनर क्यूरी का रिजल्ट आएगा वो मेरे पास रिजल्ट आके यहाँ सेव हो जाएगा, इक्वल टू के बाद जिस तरह 1000 मेरे पास रिजल्ट आया, 1000 यहाँ सेव हो जाएगा जो कि हमें शो नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास आउटर क्यूरी रन होगी, जो मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो मुझे शो करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि क्यूरीज को लिखने के क्या तरीके है, गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहले जो हमारी सब क्यूरी है, इनर क्यूरी, उनको हमें क्लोज करना होगा पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में। सब क्यूरी हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के राइट साइड पे आएगी, ऑपरेटर्स के। सब क्यूरी के अंदर हम ऑर्डर बाय की क्लॉज का, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं कर सकते। उसके बाद सिंगल रो ऑपरेटर सिंगल रो सब क्यूरी के लिए यूज होते हैं, मल्टीपल रो ऑपरेटर्स ओनली मल्टीपल रो सब क्यूरीज के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किस तरह की कितनी टाइप्स होती है सब क्यूरी की। इस लेक्चर में हम सब क्यूरी की तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंगल रो सब क्यूरी, नंबर टू मल्टीपल रो सब क्यूरी, थर्ड मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी। आइए चलते हैं, सबसे पहले सिंगल रो सब क्यूरी को डिस्कस करते हैं। सिंगल रो क्यूरी मेरे पास सिर्फ जो रिजल्ट देगी वो रिटर्न ओनली वन रो होगी, एक ही रो में मुझे रिजल्ट मुहैया किया जाएगा। सिंगल रो क्यूरी में सिर्फ कुछ ऑपरेटर्स यूज होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास वो ऑपरेटर कौन से है। नंबर वन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के सिंगल रो सब क्यूरी का बताता हूँ। मैं कहता हूं मुझे उन बंदों का डाटा शो करवाया जाए जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट
आईडी 20 से ज्यादा है। अब मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट आईडी 20 की सैलरी कितनी है। मैं सबसे पहले सिंपल क्यूरी लिख के आपको डेटा शो करवा देता हूँ एम्प्लॉयज के टेबल का। मेरे पास एम्प्लॉयज के टेबल का डेटा शो हो चुका है। अब मैं यहां सिंपल क्यूरी लिखता हूं सिलेक्ट, मुझे फर्स्ट नेम शो करवाया जाए, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, लास्ट नेम कॉलम एलियस फुल नेम हो जाए, उसके बाद सैलरी शो करवाई जाए। कौन से टेबल में से? इंप्लॉयज के टेबल में से। यहां तक तो मेरे पास आउटर क्यूरी लिखी गई है। अब मुझे कंडीशन देनी है वेयर सैलरी ग्रेटर देन, किन एम्प्लॉयज की सैलरी से ज्यादा हो। मैं कहता हूं कि जिनकी एम्प्लॉय आईडी 101 है, उस एम्प्लॉय आईडी 101 से ज्यादा सैलरी हो। सबसे पहले मेरे पास इनर क्यूरी रन होगी। इनर क्यूरी का आंसर जो मेरे पास आएगा, जैसे इनर क्यूरी का आंसर मेरे पास 101 के इक्वल हो सैलरी, इसका मेरे पास आंसर 17,000 आया है। मुझे सिर्फ उन बंदों की सैलरी शो करवाई जाएगी जिनकी सैलरी 17,000 से ज्यादा है। इस क्यूरी के अंदर ये काम होगा, क्योंकि हम सिंगल और सब क्यूरी यूज कर रहे हैं, यहाँ इक्वल आएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसकी सैलरी 17,000 से ज्यादा है। अब मैं कहता हूं कि मुझे उन बंदों की सैलरी शो करवाई जाए जिनकी सैलरी 110 एम्प्लॉय से लेस है और उनकी जॉब आईडी एम्प्लॉय आईडी 120 के इक्वल है। सिंपल मैं इसी क्यूरी का यूज करूंगा, इधर मैं लेस देन साइन डाल दूंगा और यहां करूंगा एंड जॉब आईडी इज इक्वल टू सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर employee id is equal to 120। इस क्यूरी में मुझे चार बंदे ऐसे शो हुए हैं जिनकी जॉब आईडी employee 120 के इक्वल है और सैलरी लेस है employee id 110 से। इधर मैं कॉलम और शो करवा लेता हूँ जॉब आईडी। आप देख सकते हैं इनकी जॉब आईडी चारों बंदों की एसटी मैन है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि यूजिंग ग्रुप फंक्शन, कि हम सब क्यूरी में ग्रुप फंक्शन किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहां मैं कहता हूं मुझे मिनिमम सैलरी के इक्वल शो करवाई जाए। आप देख सकते हैं एक ही ऐसा बंदा है जिसकी मिनिमम सैलरी 2100 है और उसके इक्वल भी है। ये हमारे पास बिल्कुल ऑपरेटर सही रन हुआ है और हमारे पास एक ही बंदा शो हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीपल रो सब क्यूरी की तरफ। मल्टीपल रो सब क्यूरी कि हमें ये देखना है कि जो हमारी इनर क्यूरी है वो एक से ज्यादा रिजल्ट मुहैया करेगी, वो हमारी होती है मल्टीपल रो सब क्यूरी।
जिसरा आप देख सकते हैं मिनिमम सैलरी किसी एक ही बंदे की हो सकती है, मैक्सिमम सैलरी भी किसी एक बंदे की हो सकती है, हर बंदे की मैक्सिमम सैलरी नहीं होगी। आप देख सकते हैं मिनिमम में भी एक बंदा ही शो हुआ था मैक्सिमम में भी, जबकि मल्टीपल रो क्यूरी में ऐसा नहीं होगा। मल्टीपल रो सब क्यूरी आपके पास सिर्फ रिटर्न मोर देन वन रो करेगी, और इसके लिए हम तीन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, नंबर वन इन, नंबर टू एनी, लास्ट वन ऑल। इन ऑपरेटर हमारे पास ये काम करता है कि हमारे पास जिस तरह और का ऑपरेटर काम करता था, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एनी का ऑपरेटर हमारे पास ये वर्क करता है, जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन है 10, 20, 40, तो हमने एनी यूज किया है। इसके अंदर हमारे पास है वैल्यू 39, 30, 5, 7। मैं जो साइन डालता हूँ ग्रेटर देन का, अभी मेरा सबसे पहले 10 जाएगा, इसके अंदर कंपेयर होगा, अगर किसी एक वैल्यू से भी ग्रेटर होगा तो हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 13, सेम यही प्रोसीजर होगा। अगर यहाँ ऑल आ जाएगा तो मेरी टोटल ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सबसे पहले 10 मेरा 30 के साथ कंपेयर होगा, नेक्स्ट 5 के साथ एंड नेक्स्ट 7 के साथ। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास रिजल्टेंट 10 आएगा, अदरवाइज मेरे पास रिजल्टेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं यही कहता हूं कि मुझे उन बंदों की मैक्सिमम सैलरी शो करवाई जाए जिनकी डिपार्टमेंट, अब क्लर्क जॉब एक से ज्यादा बंदों की हो सकती है। नो डेटा फाउंड, मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम सैलरी निकालता हूँ। आप देख सकते हैं जब मैंने ऑल यूज करके मैक्सिमम सैलरी फाउंड करनी चाहिए तो मेरे पास कोई डाटा नहीं शो हुआ। जैसे ही मैंने एनी शो किया कि मेरे पास कितनी एम्प्लॉयज का डाटा शो हो गया। ये था आज का लेक्चर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।